सीरीज का किताब है वो कोई छोटा मोटा किताब नहीं है एंड ये मरीना बे सैंड्स में हो रहा है इवेंट सो इट इज प्रीटी बिग द वे द ट्रॉफी वाज इंट्रोड्यूस्ड सो ये अब दूसरा गेम शुरू होने वाला है एंड प्लेन पाथ की चर्चा करेंगे देखेंगे प्लेन पाथ क्या है हमारा इसके लिए इस तरीके से मैप के अंदर लीग जाया जा रहा है हमें बहुत ज्यादा शानदार तरीके है बट टीम से सारे ड्रॉपिंग डाउन एंड जो प्लेन पाथ है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से साउथ वेस्ट की तरफ जा रहा है बिकॉज जिस तरीके से टीम ड्रॉप कर रही है यहाँ वही प्लेन पाथ हो सकता है यहाँ पे एंड टीम्स की चर्चा करें तो सी को देखिए साइलेंस हैव वेंट टुवर्ड्स ब्लू जोन यस सर यहाँ पर वो ब्लू जोन में गए एंड ऑलरेडी हमें वाली फाइट देखने को मिल रहा है लाउड वर्सेस ईवो स्क्रोनोस यहां पर डाउन किया सैम 13 को एंड डेफिनेटली इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल प्लेयर्स फॉर ईवो स्पोर्ट्स यहां पर आगे बैठे लाउड के प्लेयर्स एंड एक प्लेयर को डाउन शुरू करता है मिस्टर 5 कम्स अप एंड क्लचेस आउट द टीम के ऑस्टिन ट्रेड यहां पर आया कियोन को यहां पर डाउन किया गया मेड इट एन इवन 3v3 फाइट एंड अभी के लिए इसका फायदा किस तरीके से उठाने वाला हम जोन की बात करें तो फेली सेंडेड जोन बाय द सेम टाइम द टीम्स है कोई सवाल है लेकिन जापा को देखिए वो खेल निकालने की कोशिश करें नारू शो को नॉक कर दिया गया वापस ट्रेड करते हुए तो काफी ज्यादा शानदार यहाँ पे किल लीडर भी बन चुके हैं लेके नोबू और उनके टीम के लिए शायद दिक्कतें बढ़ सकती है बट यू नेवर नो फिलहाल दो किल्स उनके पास पूरी पूरी स्क्वाड का एलिमिनेट कर दिया विदाउट टेकिंग एनी शोइंग व्हाई दे आर यू नो सो कॉन्फिडेंट एंड दे वर सो कॉन्फिडेंट ऑन द स्टेज एंड उनको पता है कि यार डर के खेल के कोई मतलब नहीं वी आर गोइंग टू गो ऑल द वे ये डिफेंसिव अप्रोच सारी टीम्स की तरफ से हमें नजर आ रहा है यहाँ ये डिफेंसिव अप्रोच हमें सारी की सारी टीम्स को डर के खेलते हैं वही होते जो प्रेशर लेके भी खेल रहे हैं यहाँ पर आपका डेफिनेटली एक थ्रेट रहता है कि आप एलिमिनेट हो जाओगे बट उसके बावजूद जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे फाइट पुट अप करा था जिस तरह से यहाँ पर उन्होंने शो यहाँ पे बनाया था सारे जनता के उनको यहाँ पर ऑफ गार्ड पकड़ सकती है दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन इंडीड एंड स्पॉट आउट जरूर कर उन्हें प्रहार करते हुए दिखाई दे सकते लेकिन देखिए आलिस को देखिए किस तरीके से भाग रहे एक साथ भागे हुए हैं उनके पीछे पीछे जाने की कोशिश करेंगे इवन आई डोंट थिंक इज अ ब्राइट आईडिया in their way inside the circle as well Kronos bahut zyada yahan pe damage de rahe hain will oh bahut hi zyada acha unhone yahan pe dimag lagaya council hall ki taraf hai zarur and ekdam edge to edge move kar rahe hain even though unke paas zyada health ke yahan pe kuch ko dikh raha hai oh hq they are using the launch pad as well there are players flying all over the place and yahan pe reunite ho jayenge and is bar lgds ke peak peeche hq yahan par aage gir raha hai grappling hook ka istemal karke ek bahut hi zyada acche position pe yahan pe ja chuke hain now roro god of wide in the open samne hai जी हाँ पीछे एच क्यू स्पोर्ट्स की टीम लेकिन यहाँ पे वो फाइट लेने की कोशिश जरूर करे ग्लोअल है बीच में एलजीडीएस एंड एच यू के लेकिन एलजीडीएस के पास थोड़ा ज्यादा सॉलिड कार है यहाँ पे सवाल ये बनता है कि क्या एच यू उनको स्टॉर्मिंग कर पाएंगे यहाँ पे एलजीडीएस एक और प्लेयर को नॉक कर देंगे आज में कमिंग ऑन टॉप ब्रूस गिर जाएंगे नीचे एंड फांकी पुश करने की कोशिश करेंगे लेकिन उनके पास इतनी ज्यादा एचपी नहीं सो हील हिमसेल्फ सवाल है कि क्या वो हील करेंगे या फिर पीछे जाएंगे ग्लोअल एक और लगा दी फ्लैंक करने की कोशिश करें यहाँ पे लेकिन एचपी लिए शायद दिक्कतें बढ़ जाएंगी देखिए 41 एचपी के ऊपर जो फाइट लेने की कोशिश कर रहे हैं उनको लड़ना ही यहाँ बिल्कुल एचपी नहीं थी एंड आई थिंक इन्फॉर्मेशन मिली था कि उनके पीछे भी एक और टीम है बट लक एफआर वर्सेस पीटीएस एंड फिनिक्स फोर्स भी यहां पर ओह माय गॉड वहां पर एग्जैक्टली क्या होने वाला है वी नेवर नो अबाउट इट शिन यहां पे वेट करे शार्क यहां पे विजन बना लिया ओ किसी भी टाइम उन पे यहां पे शॉट्स आ सकते हैं डार्क गोइंग इन शिन ने यहां पे डाउन करा है डार्क ऑल गो विद हिज Gun and Souza's trying his level best. यहाँ पे ढूंढ पाए एक को जोकर डाउन होते हुए दिखाई दे रहे प्लीज उनसे बचाना बहुत ना मुश्किल रहने वाला है बिकॉज दोनों टीम्स यहाँ पर आपने साथ फाइट हुआ एंड ही वाज गेम आउट ऑन टॉप इन दिस पर्टिकुलर फाइट स्काईरेक्स ने यहाँ पे डाउन कराया एक प्लेयर को शिन गोइंग क्रेजी राइट नाउ एंड फीनिक्स फोर्स बीटीएस एंड ये एक साथ यहाँ पे फाइट जरूर कर रहे थे बट साइलेंस कम्स आउट ऑन टॉप यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया गया है गीक काम को यहाँ एलिमिनेट कर दिया गया है गीक ये बिग बिग प्रॉब्लम फॉर देम बट वीआईपी इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं टीटीएस इज अनस्टॉपेबल राइट नाउ बिकॉज़ वो एक के बाद एक टीम को एलिमिनेट करने जा रहे हैं एंड शैडो की अगर हम बात करें
वो कुछ ना कुछ डैमेज तो इन्फ्लिक्ट करे लेकिन वो नहीं हो रहा है। फ्लक्सो इन द मीन टाइम इज इन द मिडल ऑफ नोवेयर, वो भी फाइट ले रही है, उसके साथ रीलॉचर का इस्तेमाल किया जा रहा है, नेट भी डाली जा रही है, क्या ये दूसरी फॉलो में से कहां होगा? जी हां, उसके पहले गोल से एलिमिनेट कर दिया गया, लेकिन वीआईपी की एक साथ थर्ड पार्टी हो सकती है, नहीं हो सकती। उनको एलिमिनेट कर दिया गया है, एंड यहाँ पर फीनिक्स फोर्स भी यहाँ पे फाइट करते हुए दिखाई दिए। डीलॉन्ग यहाँ पर एक और नॉक निकाल लिया अपने वे में, आर्टेमिस को यहाँ पे शिकार बना दिया, फिनिश ऑफ भी कर देंगे जो है ना गूंग क्रेजी राइट नाउ। वीआईपी को जॉइन द पार्टी एज वेल एंड साइलेंस यहाँ पर फाइनली फिनिक्स साथ फाइट करे, बिकॉज दे नो कि सर्कल बहुत ज्यादा दूर है एंड इस टीम को एलिमिनेट करना, अगर सर्कल अंदर जाना है बहुत ज्यादा अनिवार्य रहने वाला है। आगे जा रहे एक प्लेयर को यहाँ पर डाउन करा, कैन ही मेक द सेकंड वन? यस सर ही डज, लक्सो गेट्स एलिमिनेट ऑन स्पॉट टू बॉल। एचपी को भी एलिमिनेट कर दिया गया था वहाँ पे, एंड ये बहुत वीआईपी की बात करें उन्होंने पूरा का पूरा फायदा उठाया, जिस तरीके से उनकी पोजीशन थी, उनके पास कवर था, एंड सामने जब टीम के साथ फाइट कर रहे थे, दे न्यू वो जेयर इन द मिडल ऑफ नोवेयर, वो भाग नहीं सकते वहाँ से कहीं पे भी, तो पेशेंट एंड फायदा उठाया भागा एंड 10 किल डाले थे उन्होंने, तो किल्स तो काफी ज्यादा है, बट क्या थर्ड पोजीशन पे एलिमिनेट होने के बाद वो फिर भी ऊपर आ पाएंगे, सबसे बड़ा सवाल ये होने वाला है। वीआईपी लूजिंग आउट ऑन अ प्लेयर, फीनिक्स सामने इनके साथ फाइट हो रही है, एंड क्रूज को देखिए उन्होंने नेट डाली एंड तारिक को वहां पे एलिमिनेट कर दिया, लेकिन फीनिक्स इज दिस टीम गोइंग टू कम आउट ऑन टॉप ऑफ दिस फाइट एज वेल? वीआईपी एसजो को भी एलिमिनेट कर दिया गया, इकलौते प्लेयर बचे हैं निंजा, या वो सर्वाइव कर पाएंगे? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, वीआईपी को एलिमिनेट कर दिया गया है। वाओ नॉर्म था विद 11 किल्स, once again it's a deja vu, 11 किल्स एक बार फिर से, वो या एक बार फिर से फीनिक्स फोर्स, ladies and gentlemen।